तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप फोर बेस्ट 5G बजट कैमरा मोबाइल अंडर 12,000, जहां पे आपको 12,000 के अंदर ओआईएस वाला कैमरा मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, उसकी साथ साथ 6,000 mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है और भी काफी तरह के फीचर मिलेगा। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं, एक एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाईलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों, प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ। तो दोस्तों, आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों, अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 MP का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है, कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस है, तो आप कैमरा सेंटर के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस की रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB+128GB, 6GB+128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों, 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों, ये तो गया इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB+128GB, उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB+128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाला है 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 nit peak brightness मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत
नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा की बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे भी वो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस्ड है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूतु स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। उसके साथ साथ 44W की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो का इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर आप आपको मैक्सिमम प्राइम 1,000 से 1,500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला G54। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा से कैमरा डिवाइस है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विथ OIS मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड OIS को प्रोवाइड करता, पर आपको इस डिवाइस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेन कैमरा से 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको रियर पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। वो पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। इस मोबाइल की फोटो और वीडियो की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों, इसकी जो एंटूतु स्कोर वो करीब करीब 4 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8GB का मैसिव रैम और 128GB का रोम, जो प्राइस के हिसाब से मुझे लगते हैं काफी ज्यादा है। और बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। और दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटम्स स्टेरियो स्पीकर मिलेगा, IP52 की वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मिलने वाला है। और दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 13 पे रन होगा। और दोस्तों, ये एक 5G डिवाइस है, और मुझे पर्सनली यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, यहाँ पे आपको मिलने वाले 12 5G बैंड, जो काफी अच्छी बात है। कोई भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आपको इस डिवाइस में नहीं आएगा। दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB+ 128GB, उसका प्राइस
14,000 है, पर अभी यहाँ पे देख सकते हो 1,400 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी जो प्राइस वो 12,600 हो चुका है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल है, तो आप अगर लेना चाहते हो इसे जरूर ले सकते हो। और तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले आईटेल की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस आईटेल S24, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, और एक काफी अच्छी बात है इस डिवाइस की बैक पैनल की कलर ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। हाँ दोस्तों, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात किया जाए इस डिवाइस की वेट की, तो यहाँ पे आपको 192 ग्राम वेट होने वाला है। डिवाइस की थिकनेस है 8.3 mm, तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाले। वहीं पे बात किया जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा विद 480 निट पिक ब्राइटनेस। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 720x1612 पिक्सल रेजुलेशन, तो डिस्प्ले भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा है। वहीं पे बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट, जो एक 4G चिपसेट है, मतलब ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको 5000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा, जिसको चार्ज देगा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों वहीं पे सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी सभी छोटी मोटी फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 पर। हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 14 होता तो और भी अच्छा होता, पर बजट सेगमेंट के हिसाब से ये भी ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों यही सब कुछ मिलने वाला है इस डिवाइस पे। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ही ब्रांड मिलने वाला है 8GB 128GB, जिसके करंट टाइम पे प्राइस 11,000 आपको दिख रहा है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।